नमस्ते, वेलकम बैक। इस लेसन के हम शुरू करने वाले हैं आईएलटीएस राइटिंग मॉड्यूल की सीरीज को, लेकिन इसमें हम कवर करेंगे जो रीसेंट क्वेश्चंस होंगे। जो आज का क्वेश्चन है वो आई थिंक 7th of January आया था इंडिया में। लेकिन अगर आगे मूव करने से पहले आई वुड लाइक टू से इफ दिस इज योर फर्स्ट वीडियो ऑन आईएलटीएस, आई सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोज़ को जरूर देखें, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड राइटिंग के मॉड्यूल्स, लाइक टास्क क्या है और किस तरह के पैराग्राफ्स हम बनाते हैं। अगर ऐसा नहीं है, let's start. As a question है, some people think that climate has the greatest effect on the way people live. कुछ लोगों का मानना ये है कि जो climate है एक जगह का, उसका बहुत बड़ा effect होता है लोगों के life जीने के तरीके पे। Others think economy has the greatest effect. लेकिन कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मानना ये है कि जो economic condition है एक area की, उससे effect होती है वहाँ की life. Discuss both views and give your own opinion. आपने डिस्कस करना है दोनों व्यूज को और अपना ओपिनियन भी देना है। तो हम करेंगे क्या, आज सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें सिनोनिम कौन से हम यूज कर सकते हैं, देन हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे, एंड देन वी विल आल्सो राइट इंट्रोडक्शन। सो फर्स्ट एंड फर्स्ट लेट्स सी, Some people की जगह we can always write some individuals or a group of people, ठीक है। Then think की जगह हम लिख सकते हैं are of the opinion, यहां हम लिख सकते हैं hold an opinion। क्लाइमेट को क्लाइमेट राइट देते हैं, ग्रेटेस्ट की जगह वी कैन ऑलवेज राइट सब्सटैंशियल और वी कैन राइट सिग्निफिकेंट। इफेक्ट की जगह वी कैन राइट कॉन्सिक्वेंसेस और आउटकम ऑन द वे ऑफ वे पीपल लिव। ओके, इसकी जगह हम लिख सकते हैं लाइफस्टाइल और अ वे ऑफ लिविंग। अदर्स कौन होंगे जो ऑपोजिट ओपिनियन रखते हैं, उनको हमने बोल दिया ओपोनेंट्स, या हम बोल सकते हैं रेस्ट। इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक सिस्टम और इकोनॉमिक स्टेट और राइट। सो हमने ये वर्ड्स चेंज कर दिए, वी आर डन विद सिनोनिम्स। अब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या हुआ? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब हो गया हमने आइडियाज देखने हैं कि हमने लिखना क्या है, बेसिकली किस तरह के पॉइंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, आपके पास दो चीजें कवर करने के लिए, एक आपको क्लाइमेट पे फोकस करना है और एक आपको इकोनॉमी पे फोकस करना है। तो पहले क्लाइमेट देख लेते हैं, क्लाइमेट का इफेक्ट क्या पड़ता है। क्लाइमेट से जब हम बात करते हैं तो क्लाइमेट हमारे फूड को भी इफेक्ट करता है, हमारे कपड़े पहनने के तरीके को इफेक्ट करता है, किस तरह के घर में हम रहते हैं वो इफेक्ट करता है। हम इसमें से कोई दो चीज़ों को पिक करके उनको इलैबोरेट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि हम फूड के बारे में बात करते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो फूड है उसमें बेसिकली जहाँ जो लोकेशन है उसका जो क्लाइमेट है वो इन्फ्लुएंस करेगा किस तरह का वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, ठीक है, और किस तरह के वहां का जो ईटिंग हैबिट्स होंगे। अब आप ये इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि जैसे हिल्स के जो लोग हैं वो ज्यादा वो खाना खाएंगे जो उनको वार्म रखेगा, लेकिन जो प्लेन्स के लोग हैं वो खाना खाएंगे जो उनको कूल रखेगा। क्लाइमेट सेकेंड हमारे पास आ जाता है हाउस। अब ये क्लाइमेट की वजह से डिसाइड किया जाता है कि जो डिजाइन है, जो मटेरियल है और जो स्ट्रक्चर है, आई थिंक स्ट्रक्चर डिजाइन ऑलमोस्ट सेम चीज हो जाएगा, कि वो कैसा होगा, इसको इलाबोरेट हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश, वहां पे जो घर बनते हैं वुड के, स्टोन के, और जो उनका रूफ होता है वो होता है स्लांटेड,
जबकि पंजाब में जो घर होते हैं वो ज्यादा या तो कोठी होगी या हवेली होगी, और जो वो बनेगा ब्रिक का। ठीक है, तो नाउ सी क्लाइमेट का इफेक्ट हमारी लाइफ, जैसे हम जीते हैं वो हमने जस्टिफाई कर दिया। अब हमने किसके बारे में बात करनी है, इकोनॉमी के बारे में बात करनी है। तो इकोनॉमी पे आता है, अब हम सबसे पहली चीज हम इकोनॉमी में बात कर रहे हैं, इकोनॉमी कैसे इफेक्ट करती है कि वो हम आपको चॉइसेस देती है। इफ एन एरिया वो अबंडेंट है, वहां पे इकोनॉमिक स्टेट अच्छा है, तो वो उसके जो चाइल्ड केयर होगा, मेडिकल केयर होगा, एजुकेशन होगा एटसेट्रा, वो बेटर होगा, बेटर चूज कर पाएंगे लोग वहां के, बेटर चॉइसेस बना पाएंगे, जिससे उनकी लाइफ क्या हो जाएगी, लिव अ बेटर लाइफ। यही चीज हम सेकेंड पॉइंट से जस्टिफाई कर सकते हैं कि कुछ एरियाज में अगर क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है लेकिन अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है उस जगह की, तो वहां पे भी लोग रहते हैं, पॉसिबल है, जैसे कि पोलर रीजन्स हो गए या फिर डेजर्ट हो गए, बहुत सारी जगहों पे ऐसे प्रॉपर सिटीज बनी हुई है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, तो हम इलाबोरेट कर सकते हैं कि वो ऑल्टर किया जा सकता है ऑल्टर सर्कमस्टांसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डेजर्ट हो गया या फिर पोलर रीजन्स हो गए। ठीक है, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, अब हम आते हैं प्लान। जब मैं प्लान कर रही हूँ तो मैं वापस क्वेश्चन पे जाकर देखती हूँ कि मुझे करना क्या है, डिस्कस करने हैं गोल्स व्यूज एंड गिव योर ओन ओपिनियन, तो मुझे देखना है लिखना कैसे है, प्लानिंग कैसे करनी है। नाउ आई हैव अबाउट 4 आइडियाज टू राइट। ठीक है, सो आइडियली आई शुड बी एबल टू राइट एन इंट्रोडक्शन, देन आई हैव टू राइट BP1 जिसमें मैं 1 व्यू को एक्सप्लेन करूंगी। 1 व्यू क्या है हमारा, क्लाइमेट। BP2 अगर मेरे को लगता है कि क्लाइमेट का इफेक्ट ज्यादा पड़ता है तो मैं ओन ओपिनियन लिखूंगी और यहाँ पे मैं क्लाइमेट के बारे में बात करूंगी। तो जो मैंने क्लाइमेट में 2 पॉइंट्स बनाए थे, एक फूड का बनाया था, एक हाउस का बनाया था, ये मैं BP1 में लिख देती हूँ। जो हाउस का बनाया था वो BP2 में लिख देती हूँ। ठीक है, BP3 में क्या आ जाएगा, BP3 में इकोनॉमी आ जाएगा, जो क्या था हमारा सेकेंड व्यू था। अब आपको You are writing one idea here, one idea here. यहाँ पे भी आपको जरूरी नहीं कि आप दोनों लिखो, आप इसमें से किसी एक को लिख सकते हो। You can just write one and then conclusion. Now in case अगर आपको ये नहीं करना है, आपको लगता है कि मुझे इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करती है लोगों के लाइफ स्टाइल को, तो आप उसके बारे में उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप बनाएंगे सबसे पहले यू राइट इंट्रोडक्शन BP1 फर्स्ट व्यू जो ऑफ कोर्स क्या है, क्लाइमेट पे है। BP2 सेकेंड व्यू जो क्या है, इकोनॉमी में है। BP3 ओन ओपिनियन बना रहे जो अगेन किस पे आएगा, इकोनॉमी में आएगा। एंड देन कंक्लूजन, तो हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, क्लाइमेट यहाँ पे फूड वाला पॉइंट लिख देते हैं, इकोनॉमी में यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चॉइसेस वाली, ये वाली हम बात कर लेते हैं जो कि सिचुएशन को हम ऑल्टर कर लेते हैं। तो दैट मीन्स अगर हम एक एक पॉइंट पे लिख रहे हैं उसको इलाबोरेट कर रहे हैं, हमारा 250+ वर्ड्स आराम से बच जाएंगे। ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, राइट। अब हमने क्या करना है, एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और साथ में इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि मैं किस तरह से इसको शुरू कर सकती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। इन इंट्रोडक्शन हमने वर्ड्स को चेंज किया था, बस उन्हीं वर्ड्स के साथ साथ हम यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं अपनी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने लिखी है, आप देखें यहाँ लिखा है, सम इंडिविजुअल्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट पीपल्स वे ऑफ लिविंग इज ऑल्टर्ड सब्सटेंशियली ड्यू टू क्लाइमेट। मैंने यहाँ पे चेंज किया बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ। द रेस्ट हाउएवर आर कन्विंस्ड दैट फाइनेंशियल स्टेट ऑफ एन एरिया हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट। जब मैं इट बोल रही हूँ तो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, वे ऑफ लिविंग के बारे में बात कर रही हूँ। इतना सा ही इंट्रोडक्शन लिखने से ज्यादा कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। देन दिस इज हाउ माई स्ट्रक्चर ऑफ एसे विल लुक लाइक। मैं BP1 लिखूंगी, द पीपल हु सपोर्ट, किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, क्लाइमेट के बारे में। तो यहाँ पे आप लाइन बनाओगे कि जिनको लगता है कि क्लाइमेट का इफेक्ट होता है, बिलीव फूड वाले पॉइंट को यहाँ पे इलैबोरेट कर देंगे।
बीपी टू में आएंगे, आई ऑल्सो फेवर दीज पीपल. दीज पीपल कौन से लोग हैं जो क्लाइमेट को बोलते हैं कि क्लाइमेट का इफेक्ट पड़ा लोगों की लिविंग स्टाइल पे, बिकॉज यहाँ पे हाउस वाला पॉइंट लिख के उसको एक्सप्लेन कर देंगे. बीपी थ्री हाउ एवर दी ओपोनेंट्स क्लेम दैट, ओपोनेंट्स कौन से वाले होंगे जो बात कर रहे हैं इकोनॉमी की, वो वाला पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे. एंड देन कंक्लूजन टू समराइज, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन जो आपका टॉपिक है उसको मेंशन करके और आपका जो आइडिया है उसको आप यहाँ पे रीअफर्म कर देंगे. सो दिस विल बी योर एंटायर यू नो सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. जितना पूछा उसका जवाब दें सिंपल लैंग्वेज में और उसको सपोर्ट करें थ्रू आउट. कहीं भी कुछ भी जो है कॉन्ट्रेडिक्टरी नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एक प्रोग्रेशन जो होना चाहिए फ्रॉम वन वर्ड टू अनादर, वन लाइन टू अनादर, बहुत सिंपल होना चाहिए. थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.